सामने सरीना होटल, इसका कलर अगर आप देखें बिल्कुल डिफरेंट, यानी यहाँ की मुकामी रिवायात के मुताबिक इसका इसको डिज़ाइन किया गया है। अब हमने कहाँ मुड़ना है? राइट मुड़ना है, राउंड अबाउट जी घर तरफ। ये हम बिल्कुल सरीना इतिहाद चौक, अब हम हन्ना लेक की तरफ हमारा सफर शुरू है। क्वेटा से, क्वेटा सिटी से हमने सफर शुरू कर दिया हन्ना लेक की तरफ, तो मेरे साथ रहे। ये झील हम पहुंच गए हन्ना झील, 1.5 किलोमीटर बाकी है। अब हम लेफ्ट मुड़ेंगे हन्ना झील के लिए। अगर आप देखें डैश दिया हुआ है, तीर का निशान, वो पेपर प्लाटी वाला नहीं है, ये डायरेक्शन के हवाले से। ये स्पेसिफिक रोड इसके लिए बनाया गया है। यहाँ होटल भी है, अगर आपने खाने पीने का कोई प्रोग्राम है तो वो ये भी है। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं, लेकिन गूगल मामा कह रहे हैं कि 6 किलोमीटर है। वेलकम टू हन्ना लेक। ये हम दाखिल हो रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये सूख गया है, मतलब पानी बहुत कम है अभी। मुकामी लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये बारिश और सैलाब के पानी यहाँ पर जमा हो जाते हैं तो ये भर जाता है, लेकिन इन दिनों में ये बिल्कुल छोटा, मतलब पानी बहुत कम है यहाँ सिर्फ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं हन्ना झील पे मौजूद हूँ। हन्ना झील थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, अगर आप देखें तो इस वक्त भी परिंदे उड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है। लेकिन मुकामी लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त चूँकि इस दफ़ा बारिशें कम हुई है और बरसाती जो सैलाब है इसके पानी यहाँ जमा हो जाते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सामने अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ रेस्ट हाउसेज ये बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। क्वेटा शहर से तकरीबन ये कोई 20 या 18 किलोमीटर के फासिले पर है, तकरीबन कोई आधे घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं क्वेटा से। ये पैदल ट्रैक है, इस वक्त पानी कम है, बहरहाल फिर भी ज़्यादा है, लेकिन अगर उस हिसाब से हम देखें तो
पानी काफी कम है। ये यहाँ ट्रैक बना हुआ है, ये तकरीबन कोई 1 किलोमीटर या इससे ज़्यादा के रकबे पे फैला हुआ है और बहुत ही बड़ा है, लेकिन बारिश कम होने की वजह से इसमें जो पानी है वो कम हो गई है। और सामने अगर आप देखें तो ये आर्मी रेस्ट हाउसेज़ है, कुछ मुख्तलिफ इदारों के रेस्ट हाउसेज लग रहे हैं। सामने अगर आप देखें तो एक जहाज़ भी यहाँ पर लगा दिया है। मेरा इंजीनियर हुसैन हूँ और सवात से आया हूँ। हना लेक कोटा से तकरीबन आधे घंटे के फासले पे, 18-20 किलोमीटर का फासला है, लेकिन एक अच्छी स्पॉट है फैमिलीज के लिए, दोस्तों के लिए, तो आप आ सकते हैं, इधर एंजॉय कर सकते हैं। बतख आप देख सकते हैं सामने, अगर आप देखें तो काफ़ी बतख मौजूद है। और यानी नेचुरल माहौल है यहाँ पर, बिल्कुल नेचुरल। ये अगर आप देखें तो मुर्गाबिया आप देख सकते हैं, मतलब इस वक्त भी मौजूद है। और मुकामी लोग ये कह रहे हैं कि सर्दियों में ये इसकी तादाद में इजाफा हो जाता है, साइबेरिया से ये कोच करके यहाँ पहुँच जाते हैं, और ये भी है कि गर्मियों में फिर ये वापस चले जाते हैं। तो इस वक्त भी काफ़ी तादाद मौजूद है और मुर्गाबिया इधर से उड़ के उधर जाते हैं। और इसमें पानी का जो बहाव है, ये पानी की जो मकदार है वो इस वक्त कम है।